सब्सक्राइब कीजिए हमारे ट्विन टर्बो यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मारुति सुजुकी डिजायर वर्सेस होंडाई एक्सेंट, दोनों ही गाड़ियां अपने आप को बड़ी ही टक्कर दे रहे हैं, चाहे वो लुक्स के मामले में हो, चाहे वो माइलेज के मामले में हो, चाहे वो प्राइस के मामले में हो। लेकिन दोनों गाड़ियों में कौन से बेहतर है, मुझे पता है बहुत सारे लोग इस मामले में कंफ्यूज हो रहे हैं। चलिए मैं आपके कंफ्यूजन को दूर करता हूँ, मैं आपको बताऊंगा कौन सी गाड़ी आपके लिए बेहतर रहेगी, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रश्मिकांत और आप लोग देख रहे हैं ट्विटर यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। मारुति सुजुकी हो या होंडाई एक्सेंट, दोनों ही गाड़ी अपने आप में काफी बेहतर लग रही है। दोनों की फेसलिफ्ट वर्सन है जो कि पहले में तो काफी टक्कर दे रही थी और फेसलिफ्ट के आने के बाद भी टक्कर बहुत तगड़ी हो चुका है। दोनों गाड़ी दिखने में आगे से हो या पीछे से हो काफी सिमिलर दिख रहा है और अंदर से भी देखें तो दोनों गाड़ी अब सिमिलर दिखता है। लेकिन मैं आपको डिटेल्स बताता हूँ गाड़ी में क्या क्या सिमिलर्स है या कौन सी गाड़ी बेहतर है। चलिए शुरू करते हैं, पहले देखते हैं डायमेंशन की तरफ। डायमेंशन पे पहले मैं बात करता हूँ डिजायर को। डिजायर में आपको मिलता है लेंथ यानी कि लंबाई आपको 3995 mm, विड्थ आपको मिलता है यानी कि चौड़ाई आपको मिलता है 1735 mm, हाइट आपको यानी कि ऊंचाई आपको मिलता है 1515 mm और व्हील बेस आपको मिलता है 2450 mm। वहां पे एक्सटेंड आपको मिलता है 3995 mm और चौड़ाई आपको मिलता है 1660 mm और हाइट आपको मिलता है 1520 mm का और आपको व्हील बेस मिलता है 2425 mm का। तो काफी सिमिलर है दोनों गाड़ियां लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में, लेकिन थोड़ा चौड़ाई में डिजायर एक्सेंट से थोड़ी से ज्यादा है, जहाँ के आपको अंदर की सीटिंग पोस्चर आपको थोड़ी से ज्यादा मिल सकता है। और ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो दोनों गाड़ी काफी सिमिलर है, जहाँ पे डिजायर आपको 163 mm ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, वहां पे एक्सेंट आपको 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। और बूट स्पेस की बात करें तो डिजायर आपको थोड़ी नाराज कर देती है इस बारे में, जो कि डिजायर में आपको 378 liters का बूट स्पेस मिलता है, जहां पर कि एक्सेंट में थोड़ा ज्यादा 407 liters की बूट स्पेस आपको मिल जाता है। और फ्यूल टैंक की बात करें तो डिजायर में आपको 37 liter का फ्यूल टैंक मिलता है, वहां पे आपको एक्सेंट में 43 liters का फ्यूल टैंक मिलता है। तो अप्रोक्समेट देखा जाए तो दोनों गाड़ी सिमिलर है, लेकिन बूट स्पेस के मामले में एक्सेंट थोड़ा भारी बढ़ता है और फ्यूल टैंक के बारे में। फिर चलते हैं इंजन और पावर के मामले में। इंजन और पावर के मामले में देखा जाए तो डिजायर आपको मिलता है 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन, जो कि 83 bhp के साथ 115 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको प्रोवाइड करता है, और डीजल इंजन में 1.3 लीटर डीजल इंजन जो कि 74 bhp के साथ 190 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको देता है, जो कि आपको 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और AMT में भी अवेलेबल हो जाता है। वहां पे एक्सेंट आपको 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन जो कि 81 bhp के साथ 140 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है, और डीजल इंजन 1.2 लीटर डीजल इंजन जो कि 74 bhp के साथ 190 न्यूटन मीटर का टॉर्क दे देता है, जो कि आपको 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और 4 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ मिल जाता है। तो एवरेज देखा जाए दोनों गाड़ी पूरा सिमिलर है। और माइलेज के मामले में तो माइलेज में तो डिजायर तो बाजी मार लेता है, जो कि डिजायर आपको पेट्रोल में क्लेम करता है 22 kpl और डीजल में 28.4 kpl, जहाँ पे एक्सेंट आपको 20.14 kpl पेट्रोल में और डीजल में 25.4 kpl रहता है। हमेशा सो तो है कि जो कि मारुति सुजुकी का माइलेज सेक्शन में टॉप में रहना ये तो नॉर्मल की बात है। तो अप्रोक्सीमेट देखा जाए यहाँ पे भी सिमिलर बढ़ता है, लेकिन हालांकि मारुति सुजुकी माइलेज के मामले में थोड़ा आगे निकल जाता है एक्सेंट से। फीचर्स में देखा जाए तो फीचर्स में लगभग दोनों गाड़ियाँ बिल्कुल सेम है,
तो फीचर्स में देखा जाए तो आपको सिमिलरिटी मिल जाते हैं, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, पावर विंडो, सेंट्रल लॉकिंग, स्टीयरिंग ऑडियो कंट्रोल, 7 इंच टच स्क्रीन सिस्टम, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कार्पले, सेफ्टी के मामले में 2 एयरबैग्स, ABS, EBD, ये सारे चीजें आपको सिमिलर मिल जाता है। लेकिन 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 यहाँ पे डिजायर थोड़े आगे निकल जाता है, क्योंकि डिजायर में टॉप एंड वेरियंट में आपको काफी ज्यादा फीचर्स भी मिल जाता है। और डिजायर में सेफ्टी के मामले में एयरबैग, ABS आपको स्टैंडर्ड में मिल जाता है, जो कि हर वेरियंट में आपको मिल जाता है। और प्राइस में मामले में देखें तो प्राइस के मामले में डिजायर थोड़ा आगे निकल जाता है, थोड़ा ज़्यादा प्राइस हो जाता है, जो कि 5.45 लाख से शुरू होकर 9.41 लाख तक जाता है, जहाँ पे एक्सेंट आपको 5.38 लाख से शुरू होकर 8.41 लाख तक जाता है एक्सेंट प्राइस में। तो हालांकि देखा जाए डिजायर के जो मॉडल्स है वो थोड़ा एक्सपेंसिव है, मैं एक्सेंट से मॉडल्स के हिसाब लगभग देखा जाए वहाँ पे डिजायर पे आपको ज़्यादा फीचर्स भी मिल जाता है और स्टैंडर्ड वेरिएंट में सेफ्टी भी आपको मिल जाता है। आप चाहे इंजन हो, ट्रांसमिशन हो या फीचर्स में हो, सेफ्टी में हो, लगभग दोनों गाड़ियाँ सेम बैठते हैं, लेकिन डिजायर थोड़ा ज़्यादा पैसा लेती है, उसमें ज़्यादा भी आपको रिटर्न भी देता है। तो हालांकि ये सारे चीज़ें देखने के बाद यही लगता है कि डिजायर उतनी तो अच्छी नहीं है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा बेटर है एक्सेंट से। तो मेरे चॉइस ज़्यादा है डिजायर की तरफ। हालांकि देखा जाए आप थोड़ा कम पैसा खर्च करना चाहते हैं तो आप एक्सेंट ले सकते हैं, कोई बुराई नहीं है, गाड़ी बिल्कुल बेहतर है, डिजायर के सिमिलर की है, लेकिन डिजायर थोड़ा पैसा ज्यादा लेता है और फीचर में आपको ज्यादा भी देता है। तो आपको कौन सी गाड़ी अच्छा लगती है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मैं ऐसे वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड बी सेफ, थैंक यू।